Our opening ceremony of 6th Dehradun International Film Festival, you are here. I am Ruchin Kohli, I am the event director for the 6th Dehradun International Film Festival. And before that, Uttarakhand, as we all know, Dev Bhumi, the magnanimous Himalayas, holiest rivers, spiritual mystery, stunning landscapes, amazing flora and fauna, wildlife, and it doesn't stop here. Yes, ladies and gentlemen, Dehradun International Film Festival. We missed everyone here last year due to the pandemic. But we are very happy, we are very excited. You all are here and we are very thankful to our guests who especially flew from Mumbai and various other states and have joined us here to make this festival look good. Before that, I would like to call my host for this evening. Ladies and gentlemen, her name is Jashin Agnihotri. We have seen her in Hindu Sarkar, directed by Madhur Bhandarkar. A well-known Indian and Punjabi film actress, model and television host. Her Punjabi movie Kutte Fail has just been released in August 21. And she has done more than 100 ads and TV commercials. Dehradun International Film Festival has become so close to my heart. Rather, it's become a family for me now. Big thanks to our festival director, Rajesh Sharma ji, to invite me for this one. Last year, of course, I missed big time because pandemic ki wajah se nahi hua tha festival. Lekin is saal hum wapis aaye hain aapke samne and back with industry ke mahanubhav jo yahan pe aaye hain. आप सबके लिए जो फ्रंट रो में बैठे हैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला. सूरज रोशन है जुगनू की तरह, चांदनी बिखरी है सितारे की तरह. सितारे तो कई हैं उजालों में गो, मगर कुछ खास सितारे हैं इस जहां में. मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पे दिल का लगाव और ज्यादा हुआ. हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पे दिल का लगाव और ज्यादा हुआ. कोई आपको इतना चाहे तो हमें बताना, कोई इतना याद करे तो हमें बताना. GIFF का आगाज हो मुबारक तो हर कोई कह लेगा, कोई हमारे अंदाज में कहे तो हमें बताना. आज फिर से दिल से निकली दुआ है हमारी, जिंदगी में मिले आप सबको खुशियां सारी. गम ना दे खुदा कभी आपको, फिर चाहे थोड़ी खुशियां कम हो जाए हमारी. और इसी के साथ करते हैं GIFF की शुरुआत प्यारी प्यारी. लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज जशन अग्निहोत्री. द कमला पसंद के जैन 6 GIFF. ही इज अ बिग नेम इन बॉलीवुड एंड फिल्म्स डाउन साउथ, अ सेलिब्रेटेड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर. Ladies and gentlemen, he's the fastest producer to make 50 films and has made 60 plus films spanning various Indian languages. He is known for making unconventional films such as Teri Meherbaniya, where dog is the main protagonist, and others based on animals like Main Tera Dushman and Kundan. He has produced successful films like Pyar Jhukta Nahi, Naseeb Apna Apna, Hum Tumhare Hain Sanam and Main Tera Dushman. राजेश जी हमारे मित्र हैं, उमर साहब राजेश जी और समीर भाई साहब हमारे रमेश जी जो हैं, इनके इनकी एक आवाज़ पे मैं आ गया और आपके दर्शन हो गए सबके. और भट्ट साहब आपके यहीं के रहने वाले हैं, भट्ट साहब हम साथ ही काम किए थे आप और हम. चलो आज आपको तोहफा दे देता हूँ, एक फिल्म आप डायरेक्ट कर देना. चलिए आप सबको धन्यवाद. और बस फिल्में जो कुछ बनाई है आप लोगों को ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से बनाई है. और बस चल ही रहा, अभी भी 4-5 पिक्चर है, सब भाषा में बनाए हमने, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, अभी 2 पंजाबी में कंप्लीट किए मैंने. एक भूत अंकल तुसी ग्रेट और जो अभी रिलीज है, इसमें राज बब्बर, जयप्रदा जी वहाँ के सब एक्टर, एक दूसरा मेरी बोटी का ब्याह जो भी है, वो दोनों रिलीज पे है. हिंदी में तेरी मेहरबानियाँ कम्प्लीट किए पार्ट 2, और एक हिंदी में बहुत बड़ी फिल्म शुरू हो रही है उसी लेवल की जो हमारी हम तुम्हारे सनम, जिसमें शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित थे चारों, अब समझे मोटा मोटी उसी लेवल की हो रही है. आजकल बोलने से भी भाग जाता है एक्टर के, आपने क्यों अनाउंस किए, और अनाउंस भी करने का तरीका आजकल डिफरेंट हो गया फिल्म लाइन का. और बट एक बात है सर, जो कुछ भी हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग से, और ये मुंबई के तमाम फिल्म वाले, इन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरा सहयोग किया, मुझे साथ दिया, तो आज आके मैं आई थिंक 50 तक तो मैं काउंट किया, अभी तो काउंट नहीं करता, बट 65 66 67 अभी ये इतना
तक पहुंचेगा तो मैं काउंट करूंगा। बस मैं धन्यवाद आप सबको और आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।